इंडिया पर आ रही इस वक्त मिश्रिख लोकसभा से बड़ी खबर। आपको बता दें कि मिश्रिख लोकसभा में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हो गया। अभी कुछ समय पहले जो वहां के सांसद थे, मौजूदा भाजपा के प्रत्याशी अशोक रावत, वो आगे चल रहे थे और अब कितने मत पाए हैं जब ईवीएम खुल रही लगातार। सर, सीधे जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताएं, अब जब ईवीएम खुल रही है तो क्या वहां पे कितने मत पाए प्रत्याशी? देखिए निशांत, आपको बता दें कि मिश्रिख सुरक्षित लोकसभा सीट है और यहाँ पर 3 बार के सांसद अशोक रावत जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार हैं। और आपको बता दें कि अभी तक वो आगे चल रहे थे, लेकिन इसकी अहम जानकारी आ रही है कि अशोक रावत पिछड़ गए हैं गठबंधन प्रत्याशी संगीता राजवंशी से। तो इस समय की जो अहम जानकारी आ रही है मिश्रिख लोकसभा सीट की, उसके बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत से संगीता राजवंशी गठबंधन की प्रत्याशी को आगे निकल गई है। गठबंधन की प्रत्याशी संगीता राजवंशी को 65,500 और 17 वोट मिल चुके हैं। 3,047 मतों से आगे चल रही है संगीता राजवंशी। और अशोक कुमार रावत जो भाजपा के सांसद हैं, उन्हें 62,470 वोट मिले हैं, 3,047 मतों से पीछे चल रहे हैं। जबकि बसपा के प्रत्याशी बी आर अहिरवार 17,008 मत पाए हैं। ये अब तक की जानकारी मिश्रिख सुरक्षित लोकसभा सीट की आ रही है। बिल्कुल, मिश्रिख लोकसभा सीट में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हो गया। और आपको बता दें कि अशोक कुमार रावत जो सांसद है मौजूदा, वो 3,047 मत से पीछे चल रहे हैं। वहीं जो गठबंधन की समाजवादी की प्रत्याशी है संगीता राजवंशी, उन्होंने 65,517 मत पा के 3,047 से बढ़त बना लिए। सर, वो जो है आगे जो है आप ध्यान रखें उस पे जो है अब मिश्रिख की लोकसभा का, फिर आपसे जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।